हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर जो बोर्ड एग्जाम में हमारा गद्यांश आता है ना, गद्यांश ठीक है और पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश ठीक है, जो छः छः नंबर का आता है, छः छः मार्क्स, इसको हम बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करें, ठीक है कोई ट्रिक बताइए और कैसे लिखें ताकि हमारा ये जो 12 नंबर है, 12 मार्क्स वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज का ये वीडियो ना, आपका जो गद्यांश आता है बोर्ड एग्जाम में और पद्यांश, वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। ये जो 12 नंबर है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100%। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आप कोई सा भी गद्यांश सॉल्व कर दोगे आसानी से, कोई सा भी पद्यांश सॉल्व कर दोगे बहुत आसान ट्रिक के साथ। कैसे लिखना है, एक टॉपर कैसे लिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिखा देता हूं कैसे बोर्ड एग्जाम में आता है गद्यांश और पद्यांश। देखो, सबसे पहले आपका रहेगा वर्णात्मक प्रश्न, आपका खंडवा, ठीक है। खंडवा में जो हमारा पहला प्रश्न होता है ना, वही हमारा होता है। सबसे पहले आपका गद्यांश रहेगा, फिर पद्यांश रहेगा। सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा वो हमारा गद्यांश ही रहेगा, ठीक है। ये आपको 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। तो अब ये गद्यांश और पद्यांश सब बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें 6+6 लाना है, 12 में 12 नंबर लाना है, हमें एक भी नंबर नहीं कट होने देना है। तो ध्यान से देखना कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो। पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लो, एक नहीं दो बार पढ़ो। अगर आपको नहीं आता तब आप 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। आता है तो एक बार बहुत है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लो। दो रहेगा, दोनों में से जो आपको करना है उसको ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि दोनों पढ़ो, आपको जो करना है वही पढ़ो ना। देखो, जैसे यहां पहला है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। मतलब यहां कहने का मतलब है, यह कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर स्वभाव एक जैसा हो, एक जैसे लोग हों, तभी मित्रता होगी, ठीक है। समाज में भिन्नता विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल वली का, धीर उत्साही का, और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, और नीति विशारद अकबर जो है मन बहलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोनों में से जो करना है उसको आप पकड़ो, ठीक है। अब हमें करना कौन सा है, हमें यही वाला करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों को यही वाला करना है, ये वाला भी आप पढ़ लेना, थोड़ा सा हो सकता है ये आपको और आसान लगे। देखो, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, चमक हमें अंधा बना रही है। अब पहले आप दोनों को पढ़ लेना, अब दोनों में जो आपको आसान लगे, मतलब दोनों में जो आपका आसान लगे, जो आपको पता हो कि 100% हम कर सकते हैं, वो वाला करना। ध्यान रखना कि आपको पता हो कि किस चैप्टर से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, वो अगर आपको 100% दोनों में से जिसका पता है वो आप ध्यान से पढ़ना 2-3 बार। तो अब लाइक है हमें ये वाला करना है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला। तो देखो, सबसे पहले इसमें मेन चीज यहां देखो, एक चीज लिखा हुआ है, ट्रिक, मित्रता, मित्रता, ठीक है, मित्रता। तो मित्रता हमारा पाठ से लिया गया भाई, तर्क आपको मिल ही गया, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, गद्यांश के रेखांकित तंत्र की व्याख्या, और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लेख एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। अब ये आपको 2 नंबर मिलेगा, ये भी हमें 2 ही नंबर मिलेगा, ये भी हमें 2 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब समझना यह है कि आपको पाठ का नाम तो पता चल गया, मित्रता, अब इतना तो आपको पता ही होगा कि मित्रता के राइटर कौन है, जो हमारा मित्रता है इसके राइटर कौन है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश को कैसे सॉल्व करना। तो चलो हम लोग ये वाला गद्यांश सॉल्व करते हैं। देखो, ये हमारा गद्यांश है 6 नंबर का। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करना, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे ध्यान से समझ लो, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा दोबारा। सबसे पहले ये हमारा खंडवा है, ठीक है, खंडवा है, वर्णात्मक प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने डाला है खंडवा, वर्णात्मक प्रश्न खंडवा, ठीक है। और खंडवा में हमारा ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, क्या है ये, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है। तो फिर हमने यहां डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, साफ अच्छे से आप, और एक बात याद रखना, आप एक तरफ ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, एक ही तरफ करना, दोनों तरफ मत करना, कॉपी नहीं भरना है, ठीक है। और फिर आप लोग ये चीज जो है, ये सब स्केच से लिखना। स्केच का मतलब है
कि आप बढ़िया एक स्केच ब्लैक वाला ले लेना और लिखना, और स्किल की सहायता से ये सब अंडरलाइन करना। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा अंडरलाइन कर दो, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आप अच्छे से शुरुआत में लिखोगे तो लास्ट तक एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कैसा लड़का है। अब गद्यांश हमें लिखना है, संदर्भ का गद्यांश। तो देखो गद्यांश का संदर्भ, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां का तीन अक्षर या कोई बात, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए यही वाला सॉल्व किया है बच्चे ने। तो यह कोई बात और नीचे का तीन अक्षर की ओर देखता था, ठीक है, ये वाला तीन अक्षर ले लो, ठीक है। तो यह कोई बात फिर डैश 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 की ओर देखता था, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप हमें संदर्भ लिखना है, दो नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा। तो इसमें हमें मेन चीज क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। सबसे पहली बात, ये सबसे आसान तरीका है संदर्भ लिखने का, ठीक है। और मेन यहां क्या है कि यहां जो लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको ब्लैक से लिखा है। ब्लैक से लिखने का मतलब है कि ये बिल्कुल हाईलाइट रहेगा। अब जब आपको ये 100% याद होना तभी ब्लैक से लिखना, जब 100% याद हो। 100% ना क्लियर हो, आपको डाउट हो कि सही है कि नहीं सही है, तो मत लिखना, ठीक है। ये हाईलाइट रहता है, जैसे एग्जाम देखो मित्रता पाठ है तो हाईलाइट है, तो इस पर आपको तुरंत ही दो नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। संदर्भ आप अच्छे से डालना, अच्छे से अंडरलाइन करना, फिर आप गद्यांश लिख रहे हो तो यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, इसको आप ब्लैक से लिखना। जब आप ब्लैक से लिखोगे तो आपको नंबर बढ़िया और फुल मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आप दो तीन बार रेखांकित अंश को पढ़ लो। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये हमारा यहां से यहां तक रेखांकित अंश है। अब अगर नहीं आता तो इसी चीज को आप बना बना के दो तीन चार पांच छह सात आठ दस जितना लाइन लिख सकते हो लिख दो। अगर आप पांच छह सात लाइन, छह से सात लाइन लिख देते हो, मैं कहता हूं एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा रहेगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा दोस्त। तो शुक्ल जी कहते हैं, ऐसे ही लिखना है, देख लो आप रेखांकित अंश की व्याख्या डालो, फिर यहां अंडरलाइन करो अच्छे से, अंडरलाइन वगैरह कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके जो स्वभाव हैं एक जैसे और उनकी रुचियां समान हो, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, जो निर्धन लोग होते हैं गरीब लोग, वो धनी की ओर, ताकि हमें पैसों का काम लगे तो वो हमें दे सकें, और निर्बल जो है वो शक्तिशाली की ओर, और जो निर्बल होते हैं, जो मतलब पतले लोग होते हैं, वो शक्तिशाली की ओर भागते हैं, तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, जिससे कि उन्हें विपरीत में उचित प्रेरणा मिले, ताकि उनको कोई भी जीवन में खतरा आए तो वो उनके लिए खड़े हो जाए, क्योंकि वो उनके विपरीत हैं। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके मित्र के पास पावर है, आपके पास पैसे नहीं है तो आपके मित्र के पास पैसे। इस तरह से लिखना, आपको दो में दो नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या है ना, कि ध्यान से समझो, इसमें भी बहुत आसान है। इसमें हमारा पहले आप इसको इसमें मिल जाएगा अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे। देखो विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशा यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब यह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। चंद्रगुप्त जो है अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर बीरबल की ओर देखता था, ठीक है। अगर देखो जो उनके विद्वान थे सब उनकी तरफ देखेंगे। तो ये हमारा हो गया गद्यांश छह नंबर का। बस ऐसे ही लिखना है, कुछ है नहीं, तीन क्वेश्चन है। आप तीन अब अगर आप ये वाला करो, छह नंबर आपका क्लियर है बिल्कुल। इसमें भी आपका दो नंबर ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ गलत है ही नहीं। ट्राई करना कि आप कहीं भी काटपीट मत करो। काटपीट करते हो तो फिर उसको थोड़ा सा लाइकेज आपका थोड़ा सा कट होता है। लाइकेज आप लिख रहे हो मित्रता, तो आपने लिख दिया ऐसे, तो अगर गलत होता तो ऐसे थोड़ा सा कर दो बस। ऐसे नहीं कि इसको ऐसे 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 काटपीट दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे आपको नहीं करना है। तो ये आपका गद्यांश का छः नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक करना है तो हम लोगों ने एक को कर दिया। अब हमारा गद्यांश तो क्लियर हो गया आपका, हो गया। अब सर पद्यांश भी बता देते तो मजा आ जाता। तो चलो हम लोग देख लेते हैं पद्यांश भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपका पद्यांश आता कैसे है। देखो सबसे पहले
आपको खंड बा में दूसरा नंबर क्वेश्चन ही पद्यांश देखने को मिलेगा। लिखा हुआ दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर, तो सेम वैसे ही रहता है, छह नंबर का तीन प्रश्न रहेगा, जैसे आपको गद्यांश में तीन प्रश्न था और एक क्वेश्चन दो नंबर का आपको मिल जाता है छह नंबर, ऐसे ही हमारा पद्यांश में भी तीन क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन दो नंबर का छह नंबर। देखो लिखा हुआ चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, ठीक है ध्यान से समझो मैं आपको दिखा रहा हूं। अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले रंग चले सर छत्राई सूरदास स्वामी करणायम बार बार बंदो दीपाई, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई, सबसे पहले आपने इसको पढ़ लिया, दोनों में से कोई एक करना, अथवा अगर आपको ये आता है तो इसको पढ़ के देख लो, हो सकता है आपको ये वाला आसान लगे। लिखा हुआ सुनी सुंदर बैन सुधारक सानी सयानी ही जानकी जानी भली तिरछे कर नैन दे तिरछे कर मुस्काएं चली तुलसी देह अवसर सोहे अलोचन लोचन लाव अनुराग तरंग में भार उदय मुड़नी मंजुल कंचकली, ठीक है। यहाँ केवल इसका व्याख्या करना अंडरलाइन का, यहाँ केवल इस दो लाइन का, मतलब व्याख्या छोटे छोटे ही आते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड तीन तीन क्वेश्चन है। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो और उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, ऐसे इसमें भी है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो, व्याख्या करो, अनुराग तरंग मंजुल कंज में कौन सा अलंकार है, सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग सॉल्व ये वाला करेंगे, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे सॉल्व करना है देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पद्यांश में हमारा गलती हो जाता है। हाँ, पद्यांश में थोड़ा गलती हो जाता है, इसमें एक मार्क्स कटने का चांस होता है, ठीक है। मैंने देखा छह में पांच नंबर बहुत ज्यादा स्टूडेंट को मिलता है, छह में छह बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं एक दो चीज भूल जाते हैं, जैसे काव्य सौंदर्य, थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी इसमें ऐड कर दिया करो, ठीक है, आपको काव्य सौंदर्य नहीं बताएंगे बट आप काव्य सौंदर्य में थोड़ा सा ऐड कर दिया करो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखो ये हमारा कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है ना, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है, तो सेकंड में हमारा क्या है कि सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, क्योंकि ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना, एक तरफ अंडरलाइन हर एक पेज में जरूर करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सके तो आप नीचे जो है अपना रूल नंबर भी एड कर देना, ताकि आपका कॉपी कभी भी चेंज ना हो, रूल नंबर जो भी हो 22, 43, 71, 93 जो भी आपका हो वो डाल देना, ठीक है, जरूरी है, हो सकता है कॉपी कहीं चेंज हो जाए, तो आपने अच्छे से लिखा है, ठीक है, खूब राइटिंग से, और कहीं चेंज हो जाए तो कॉपी और फेल हो जाओ तो बहुत दिक्कत होगा ना, इसलिए हर एक पेज में ये डाल दोगे तो इसको काटना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले देख लो हमारा दो लाइन, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ आगे का दो अक्षर और पीछे का दो अक्षर आपको लेना है, ठीक है, यहाँ आगे का हमारा चरण कमल बंदो लेना है और पीछे का दो अक्षर, ठीक है, बस आपको यहाँ यहाँ हमें बंदो तिहपाई, ठीक है, ये ऊपर वाला ले लिया ना, ये वाला ले लिया स्वामी करुणायम, ठीक है, यहाँ आप कट करके बंदो तिहपाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब गलती नहीं होगा तो आप लोग समझोगे कैसे, बंदो तिहपाई, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो सबसे पहले हमारा ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है, तो गलती क्या होगा, लेकिन आपने कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला संदर्भ, यह पद जो है, देखो अब यहाँ भाई ट्रिक तो आपको पता ही है कि ये हमारा देखो तुलसी पाठ से है और इसमें जो है ये सूरदास पाठ से है, देखो ट्रिक सब में होता है, ठीक है, तो हम लोग सूरदास वाला कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना संदर्भ में, यह पद जो है, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। पद, इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, पद, पाठ का नाम पद है और कवि का नाम सूरदास। तो अगर आपको पाठ का नाम और चैप्टर का नाम और कवि का नाम आता है तो संदर्भ हो गया भाई पद में, ठीक है, तो बस पद में यही लिखना है कि यह जो है पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। अब इन दो लाइन का हमें व्याख्या करना है, इन दो लाइन का, बहिरो सुने गूंगी पुण्य बोले रंग चले सिर छत्राई। तो देखो आप दूसरा हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग अच्छे से डालना, इसमें आपको दो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो रेखांकित अंश क्या व्याख्या, कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से बहरा व्यक्त सुनने लगता है, निर्धन व्यक्त सर पर छत्र धारण कर लेता है। ये दो नंबर का है तो सही है, दो नंबर से थोड़ा सा कम मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें काव्य सौंदर्य भी, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, काव्य सौंदर्य नहीं पूछा है, ठीक है। अब देखो हमारा
इसमें अब अगला जो है क्वेश्चन वो पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है, तो चरण की तुलना कमल से की गई है तो इसमें रूपक अलंकार है, दो नंबर। ठीक, बस ऐसे ही तो आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने हैं, एक एक पेज में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया कि भाई हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना है। गद्यांश का जो 6 नंबर है, पद्यांश का 6 नंबर, वो 12 नंबर, 12 मार्क्स आपका फिक्स हो चुका है, इसमें अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को गद्यांश पद्यांश का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर आपको निबंध जीवन परिचय पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।